मैं हूं आपका दोस्त मार्बल फ्लोरिंग शफी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में 2x2 एंटी स्किड टाइल्स फ्लोरिंग करके डालने का है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट एंडिंग तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करिए। इस प्रकार से अपन एल शेप में मेटना मुलेक रख लिए। फर्स्ट टोटल फ्लोरिंग करके इस प्रकार से अपन टाइल्स डालने हैं। जब भी फ्लोरिंग करके जब का जब भी डाल देने का है, हर टाइल्स को ऐसा सीमेंट का पानी सीमेंट मिलाकर इस प्रकार से अपन थापी से एक लेवल करके डालने का है। इसमें एरो मार्किंग अब देख रहे नहीं, एरो मार्किंग करते से वन हर टाइल्स को एरो मार्किंग रहेगा। एरो मार्किंग वन साइड देना है। ओके फ्रेंड्स, एरो मार्किंग देने से अपने को डिज़ाइन भी पूरा वन साइड मिलेगा और टाइल भी अच्छा दिखेगा। एरो मार्किंग पूरा किधर भी दो, या राइट को दो, लेफ्ट को दो, इस प्रकार से अपन एरो मार्किंग देख के फिटिंग करने का रहता है। तो फ्रेंड्स, ये एंटी स्किड टाइल्स है, स्किड नहीं होगा अपने घर में डालिए तो। ये मास्टर बेडरूम में डाल रहे हैं। हर टाइल को ऐसी सीमेंट का पानी मिलाकर मिलाए ना, बकेट में मिला लेके इस प्रकार से सीमेंट का पानी डालते हुए सीमेंट भी थोड़ा गाढ़ा रहना, एकदम पतला भी नहीं रहना। फ्लोरिंग जब भी करके जब भी डालने से अपन ऐसा इस प्रकार से डालने से अपन फिटिंग करते ना डाल दे सो पूरा माल पूरा उसको फिक्स पकड़े पकड़ ले जाए पकड़ेगा। हर टाइल को देखो, एरो मार्किंग देख के वन साइड डालना अपन इस प्रकार से अपन डाल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पहली बार देखो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ वॉचिंग द वीडियो। एंटी स्किड डाल दिए तो अच्छा रहेगा, डबल चार्ज भी डालते एंटी स्किड डालते, एक एक जने एक तरीके से डालते। अब ये टोटल ज़ीरो लेवल में डाले, स्लोप नहीं दिए, ठीक है। तो इंजन प्लानिंग है ये, ज़ीरो लेवल होना बोल के ज़ीरो लेवल डालिए, इधर भी स्लोप नहीं दिए। इस प्रकार से अपन टाइल डालते हुए साथ का साथ कपड़े से या आसमान से पूछ लेना, पूछ के अपने अपॉइंटमेंट ऐसा का भी देख लेना हाथ से। फ्रेंड्स, एंटी स्किड डाल लेते क्या कहते हैं, अपने पानी गिरे तो भी स्किड नहीं हो जाएगी। स्लोप कहते उस ये भी एरो मार्किंग देख के जाना है। एरो मार्किंग कहाँ है बोल के देख रहा हूँ, एरो मार्किंग वन साइड दे रहा हूँ। ये स्लोप क्या कहते हो, अपन घर में डाले तो स्लोप एक हाफ इंच स्लोप तो देना टाइल को, तो मगर इंजीनियरिंग प्लानिंग रहता ना उन्हें ज़ीरो लेवल ही डालो बोलते। ज़ीरो खाली टाइल है ना पोछने का रहता बोल के ज़ीरो लेवल डालो बोलते। इस प्रकार से अब घर वाले कैसा बोले तो वैसे सुनना पड़ता ना। इंजीनियर इंजीनियरिंग बोले जब उन्होंने स्लोप रखो बोले, घर वाले भी स्लोप रखो हमारे ज़ीरो लेवल होना बोले। ओके ठीक है, बोलते मैं भी ज़ीरो लेवल डाल दिया। बोला मैं हाफ इंच तो स्लोप देना, धोए तो पानी जाने को रहने वाले तो नक्को नक्को बोल के उन्होंने बोले ठीक है, बोलते मैं भी ज़ीरो लेवल डाल दिया। एंटी स्किड अच्छा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से रूम पूरा कंप्लीट डाल दिए। हाल बेडरूम मास्टर बेडरूम फिटिंग हो गया इस प्रकार से। अब नेक्स्ट बचा है साइड बॉर्डर पट्टी डालने का। बॉर्डर पट्टी डाल दिए तो रूम कंप्लीट हो जाएगा।
टोटल रूम कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से 4 इंच बॉर्डर पट्टी भी लाइनिंग लाइन बाय लाइन मिलाए। इस प्रकार से ये टोटल शिल्पा में, क्योंकि 4 इंच बॉर्डर पट्टी डालकर शिल्पा में टाइल डालेंगे, ठीक है। तो अपने देखने को भी एक ही लेवल दिखेगा, बल्कि 4 इंच बॉर्डर पट्टी राउंड अप करा के उसमें सेल्फ में टाइल डाले हैं। ये टाइल्स एंटी स्किड टाइल्स। ओके फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करिए। मैं हूँ आपका दोस्त मार्बल फ्लोरिंग शफी। फ्रेंड्स।